भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उन शहीदों को दिल से सलाम जिन्होंने अपने घर परिवार और अपने प्राणों की चिंता न करते हुए अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया और भारत माता को अंग्रेजी बेड़ियों से मुक्त कराया। हम उन शहीदों को दिल से नमन करते हैं और सौगंध लेते हैं कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम भी अपने प्राणों की चिंता किए बगैर इस मातृभूमि की रक्षा करेंगे। पूरे प्रदेश भर में 14 से 28 जनवरी तक आनंद उत्सव के माध्यम से परंपरागत खेल एवं विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। वहीं बात करते हैं ग्राम पंचायत छोटी अकबई की, जहां 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन आनंद उत्सव खेलकूद एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़ कर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें युवाओं ने कबड्डी, रस्सा खींच दौड़ आदि कई खेलकूद प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसमें दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान युवा सुरेंद्र बघेल, पिता हौतम सिंह बघेल, रस्सा खींच में प्रथम स्थान टीम कैप्टन सुरेश सिंह, गुर्जर पिता अवतार सिंह गुर्जर विजेता रहे, जिनको पंचायत सरपंच वीरेंद्र सिंह बघेल, पीसीओ विनोद कुमार राठौर, अनिल कुशवाहा, चेतन दीक्षित, भीकम विश्वकर्मा द्वारा शील्ड देकर सम्मानित किया गया। डबरा संवाददाता छोटू बाथम। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रावड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जगत तिरंगा तब शुभ नावे जागे तब शुभ आशीष मागे जाए सब जय गाथा जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भारत माता की जय भारत माता की जय पुलवामा में वीरों ने जो जान देश पे बारी है दुश्मन की औकात नहीं ए अपनों की गद्दारी है दुश्मन की औकात नहीं ए अपनों की गद्दारी है दुश्मन घर में बैठे हैं तुम कोसते रहो पड़ोसी जो छुरी बगल में रखते हैं तुम मार दो ना उस दोसी जो छुरी बगल में रखते हैं तुम मार दो ना उस दोसी को इस धोखे के हमलों में जो अपनों का काम नहीं होता पुलवामा में उन वीरों का ए अंजाम नहीं होता पुलवामा में उन वीरों का ए अंजाम नहीं होता इस धोखे के हमले में जो अपनों का काम नहीं होता पुलवामा में उन वीरों का ए अंजाम नहीं होता क्या बस गरीब माँ बाप ने रचा का वीणा ठाया है एक विनेता का बेटा क्यों शहीद नहीं हो पाया है एक विनेता का बेटा क्यों शहीद नहीं हो पाया क्यों शहीद के घर पे लिखते हो महसूस करो उस पत्थर को अगर जरा दम रखते हो तुम तोड़ दो धारा 70 को अगर जरा दम रखते हो तुम तोड़ दो धारा 70 को कभी दिखाओ हमें तुम्हारा कितना बड़ा कलेजा है कभी मिलो उस बाप से जिसने फौज में बेटा भेजा है कभी मिलो उस बाप से जिसने फौज में बेटा भेजा है गोली का शमदान नहीं तो क्या है कुछ बतलाओ तुम बहरूपिये नेताजी कभी असली रूप में आओ।